कंटिन्यूस सीरीज कर रहे थे हम, इंडिविजुअल कर लिया था, डिस्क्रीट कर लिया था, नाउ कंटिन्यूस सीरीज। कंटिन्यूस सीरीज काफी सारी टाइप की होती है, एंड दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द चैप्टर, क्योंकि आपको मीन में भी काम आएगा, ये मीडियन में भी काम आएगा, ये मोड में भी काम आएगा, आगे जाके न्यूमेरिकल एस्पेक्ट में ये बहुत ज्यादा काम आएगा। है बहुत सिंपल सी चीज, बट प्लीज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द चैप्टर, टाइप्स ऑफ कंटिन्यूस सीरीज। डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की सीरीज होती है, एक्सक्लूसिव सीरीज, इंक्लूसिव सीरीज, ओपन एंडेड, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, जो मोर देन लेस देन, इक्वल अनइक्वल क्लास इंटरवल्स, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, इक्वल, 10 to 20, 20 to 40, 40 to 80, 80 to 150, अनइक्वल, मिड वैल्यू सीरीज। तो टाइप्स ऑफ कंटिन्यूस सीरीज एक एक करके करेंगे, सारी की सारी इंपॉर्टेंट है। एक्सक्लूसिव कंटिन्यूस सीरीज में एक टाइप होता है एक्सक्लूसिव सीरीज। एक्सक्लूसिव द क्लासेस ऑफ द टाइप 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, वेयर इन द अपर लिमिट ऑफ वन क्लास इंटरवल, अपर लिमिट ऑफ वन क्लास इंटरवल बिकम्स द लोअर लिमिट ऑफ द नेक्स्ट क्लास। अपर लिमिट ऑफ वन, 0 to 10, 10 इज द अपर लिमिट, बिकम्स द लोअर लिमिट ऑफ द नेक्स्ट क्लास 20 to 30, और 0 to 10, 10 to 20, तो 10 वुड बी द लोअर लिमिट ऑफ द नेक्स्ट क्लास। दे आर नोन एज एक्सक्लूसिव क्लासेस। सच क्लासिफिकेशन इंश्योर्स कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी ऑफ डेटा, बिकॉज द अपर लिमिट ऑफ वन क्लास इज द लोअर लिमिट ऑफ द सक्सीडिंग क्लास। कंटिन्यूटी होगी, कोई ब्रेक नहीं होगी। क्लास इंटरवल्स नीड टू बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव पहले भी आया था पॉइंट। क्लास इंटरवल्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तब होते हैं जब कोई वैल्यू सिर्फ एक ही क्लास में आ सकती है। बट सर, 0 to 10, 10 to 20 में तो 10 दोनों जगह आ रहा है, तो ये तो समझना है कि 10 0 to 10 में आएगा या 10 to 20, बहुत छोटा सा पॉइंट है। बट द क्लासेस हैव टू बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। टू कीप वेरियस क्लास इंटरवल्स एज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, द ऑब्जर्वेशंस विद मैग्नीट्यूड ग्रेटर देन और इक्वल टू द लोअर लिमिट बट लेस देन द अपर लिमिट ऑफ अ क्लास आर इंक्लूडेड इन इट, आर इंक्लूडेड इन इट। मतलब अगर क्लास है 10 to 20, तो इसमें क्या आएगा, इट विल इंक्लूड 10 to 20 में क्या आएगा, इट विल इंक्लूड ग्रेटर देन वैल्यूज, ग्रेटर देन और इक्वल टू 10 और लेस देन 20, ग्रेटर देन और इक्वल टू, मतलब 10 आएगा और 10 से ज्यादा, बट लेस देन 20, 20 नहीं आएगा, 20 नेक्स्ट में। हाँ सर, हमें पता है, कोई बात नहीं, ठीक है ना, ये ऑब्वियस सी बात है कि पता ही होगा, बट स्टिल इसको रीड कैसे कर रहे हैं ये। एग्जाम्पल, इफ द लोअर लिमिट ऑफ अ क्लास इज 10 एंड इट्स अपर लिमिट इज 20, देन दिस क्लास विल बी रिटन एज 10 to 20। इट विल इंक्लूड ऑल द ऑब्जर्वेशन विच आर ग्रेटर देन और इक्वल टू 10 बट लेस देन 20। द ऑब्जर्वेशन विद मैग्नीट्यूड 20 और ग्रेटर विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्लास, दैट इज 20 to 30। हाइपोथेटिकल कोई मतलब एक इमेजिनरी टेबल, 10 to 20, 20 to 30, ठीक है। इसमें मतलब कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत मुझे, किसी को डाउट अभी तक? फ्रॉम द मार्क्स बिलो ऑफ 34 स्टूडेंट्स प्रिपेयर अ फ्रीक्वेंसी टेबल विद क्लासेस। तो आ सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे क्वेश्चन, फ्री के मार्क्स होते हैं, लेकिन प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन तो क्या करेंगे आप, क्लास इंटरवल बना देंगे 0 to 10, 10 to 20, और ऐसा अगर क्वेश्चन आए तो आपको टैली मार्क्स यूज करके करना होता है, टैली मार्क्स की टेबल बनानी होती है। तो 0 to 10, तो इसको मतलब प्रॉपर हेडिंग देखिए, क्लास 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, क्लास वेट दोनों नहीं बता दी थी, 0 to 10, और मैक्सिमम वैल्यू आप देख लेंगे, मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 69, 74,
880 में कुछ है तो फिर 80 तक चला जाएगा, क्या चला जाएगा 80 तक, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80, क्लास। अब क्लास हो गया तो क्या हो गया, यहाँ पे आ जाएगी आप टैली मार्क्स, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगी फ्रीक्वेंसी, तो टैली मार्क्स। अब जैसे जैसे वैल्यू आए, 8 किस में आएगा 0 to 10, तो आप ऐसे जा सकते हैं या कॉलम वाइज जा सकते हैं, बट जैसे आपने दिखा दिया 8 को क्रॉस कर दो, फिर 10, 10 कहाँ जाएगा, 0 to 10 या 10 to 20, एंजल 10 to 20, तो यहाँ पे ये कर दिया, इसको क्रॉस कर दिया, फिर 12, फिर 16, फिर 18, फिर 24, फिर 31, फिर 38, फिर 49। पता है ना क्या करना है, मुझे आगे करने की जरूरत है, जब 5 हो जाए, एक 5 हो जाए, 5 की वेट कर लेते हैं, लास्ट हमने क्या दिखाया 49 दिखा दिया, फिर 50, 50 to 60 में चला जाएगा, 53, 50 to 60 में चला जाएगा, 58 चला जाएगा, 56 चला जाएगा, 39। सबसे ज़रूरी है क्रॉसिंग, वरना क्या होता है कि गलती से दो बार हो जाता है या कुछ मिस हो जाता है, क्रॉसिंग। इस क्वेश्चन में सिर्फ आप क्रॉसिंग से बच सकते हैं और किसी तरीके से नहीं, वरना देखना क्या ओहो कहाँ पे था, फिर शुरू से शुरू करो, बहुत टाइम वेस्ट होगा। 43, तो क्रॉसिंग एक एक करके ही करना, 48, 44, अब 41, बस इसी का तो इंतजार था। तो आप बीच में से भी काट सकते हैं, लेफ्ट टू राइट भी कर सकते हैं, राइट टू लेफ्ट भी, समझ आ गया क्या हो रहा है, कर लेंगे अपने आप, इजी है, इजी रहने देना। क्या है ये एक्सक्लूसिव सीरीज, एक्सक्लूसिव सीरीज, तो मेन बस आपको टेबल हेडिंग दिखा देनी चाहिए, ठीक है ना, क्लास इंटरवल, टैली मार्क्स और फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी में आप नंबर ऑफ पर्सन, मतलब बस इनका हेड रखना, ठीक है ना। तो ये हो गया जैसे मार्क्स थे, तो जैसे मैंने आपको लिखा ना क्लास, तो क्या है एरिया जो स्टडी कर रहे हैं, मार्क्स, टैली मार्क्स, फ्रीक्वेंसी, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। कोई भी डाउट, कोई भी डाउट, ठीक है जी। एक्सक्लूसिव सीरीज इजी है, बस ध्यान क्या रखना है, 10 to 20 में क्या क्या आएगा ऋषिका, जल्दी बताएंगे, 10 to 20 में 10 आएगा नहीं आएगा, या आएगा 20 आएगा, तो 10 to 19 आएंगे, 20 चला जाएगा नेक्स्ट में, तो सर फिर 10 to 19 ही लिख लेते, 10 to 19 ही लिख लेते, फिर 20 to 29 लिख लेते, बेटर नहीं रहता, खामा खा लिख रहे हैं 20, 10 to 20 और 20 दिखा नहीं रहे, कंटिन्यूटी बनी रहे, कंटिन्यूटी बनी रहे, इसलिए तो ये चीज़ें वहां पे ज्यादा सूटेबल होते हैं। किसी की वैल्यू है 19.8, वेट हो सकता है ना 19.8, हाइट हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, तो 19.8 10 to 20 में आएगा कि नहीं आएगा, इससे का आएगा या नहीं आएगा, श्योर आएगा, ठीक है ना। तो एनी वैल्यू लेस देन, क्योंकि तो ना सर 19.8 को अगर राउंड ऑफ करेंगे तो हो जाएगा 20, और 20 हो गया तो अब चला जाएगा नेक्स्ट, नहीं प्लीज आप राउंडिंग ऑफ क्यों करोगे, तो वैल्यूज हैं यहाँ पे, राउंडिंग ऑफ नहीं होगी, ठीक है ना, ध्यान रखना है। नहीं पढ़ा होता तो उस टाइम पे अपना साइंस वाला दिमाग लगाते हैं ना हम, जो हमारी वीक है, तो फिर फंस जाते हैं, वहां फंस जाते हैं कि जो चीज़ नहीं करी हुई, फिर हम सोचते हैं कि अभी बनाते हैं इसका आंसर, तो बनाने में कभी कभी दिक्कत आ जाती है। फॉलोइंग सेट ऑफ नंबर्स रिप्रेजेंट मंथली इनकम इन थाउजेंड्स ऑफ सिलेक्टेड 40 फैमिलीज, अरेंज द फैमिली, अरेंज द इनकम ऑफ द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, सुटेबल नंबर ऑफ क्लासेस। अब सर ये क्या होता है सुटेबल नंबर ऑफ क्लासेस, तो सुटेबल नंबर ऑफ क्लासेस आप मतलब 5 6 कुछ आपकी मर्जी है, ठीक है ना, वो आपकी मर्जी है, तो क्लास विड्थ कैसे, सुटेबल नंबर ऑफ क्लासेस, इसमें तो क्वेश्चन में उन्होंने खुद बोल दिया ना कि फ्रीक्वेंसी बता दी 10 to 20, 20 to 30 उन्होंने बता दी, यहाँ पे सुटेबल नंबर ऑफ क्लासेस बोल दिया, क्या बोल दिया, सुटेबल नंबर ऑफ क्लासेस, तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि कैसे, तो कैसे डिसाइड करेंगे, तो आप पहले निकालें सबसे लोएस्ट वैल्यू क्या है, प्लीज इंपॉर्टेंट है, ध्यान देंगे। और 10 से नीचे कुछ है, 9 या नहीं, अच्छा 10 सबसे बड़ी वैल्यू क्या है, 38 से ऊपर कुछ है,
38 से ऊपर कुछ नहीं है ना, ठीक है, तो फोर कम हो जाता है क्लास, नंबर ऑफ क्लासेस ना, फोर हो जाएगा कम, तो आप 5 6 कुछ भी ले सकते हैं। 5 लेंगे तो 8 का इंटरवल ले लेंगे, 10 है, अच्छा स्टार्ट ही 10 से हो रहा है, स्टार्ट ही 10 से हो रहा है, मतलब 0 से नहीं हो रहा, 10 से स्टार्ट हो रहा है, 10 से नीचे कुछ भी नहीं है ना। तो ध्यान से देखना, रेंज कितनी है, 28। तो आप अगर 5 से डिवाइड करें तो आ जाता है 5.6, तो 6 की विड्थ रख सकते हैं, आपकी मर्जी है, सूटेबल 6 भी है, 6 ले लेंगे। तो अगर 6 ले लेते हैं तो क्या आता है, सूटेबल है, कोई वो नहीं है, रिजिडिटी नहीं होती। 6 4 24, 4 4 by 6, तो 4.67। तो ये अच्छा लग रहा है, 5 मतलब 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30, 30 to 35, 35 to 40, तो 6 क्लास इंटरवल हो जाएंगे, सूटेबल साइज है, 6 से ज्यादा ना हो, 6 is nice, 5 और 6 में से कुछ। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है जो चल रहा है, समझ आ रहा है क्या हो रहा है, रेंज आइडेंटिफाई करनी है, लोएस्ट वैल्यू और हाईएस्ट वैल्यू को लिया, रेंज आ गई कि जो हमारी वैल्यूज है ना 28 वैल्यूज तक स्प्रेड है। तो अब 5 का क्लास इंटरवल लें या 6 का लें या 7 का लें, उसके लिए बोल रहा है सूटेबल नंबर, आप 10 का भी ले सकते थे, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, खत्म, टेंशन फ्री। अनसूटेबल, नंबर ऑफ क्लास इंटरवल्स बहुत कम ले लिए आपने, ओके। तो अब जैसे ये है, मैंने बताया ना कि नंबर ऑफ क्लासेस डिजायर्ड, नंबर ऑफ क्लासेस 6 ले ली, तो क्या आया, ये आया वही मैंने बताया ना कि आपकी मर्जी है, 5 भी ले लो गलत नहीं है, 6 बेटर है। तो जैसे मैंने ना कि नंबर ऑफ क्लासेस ये हम निकाल रहे हैं, नंबर ऑफ क्लासेस, तो 28 by 6, क्लियर, दिस इज एन इंपॉर्टेंट स्टेप, प्लीज। समझ आया क्या हुआ, कि जब आपको खुद डिसाइड करना है, जब आपको खुद डिसाइड करना है कि क्लास विड्थ क्या होगी, एक इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है, एक इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है, और क्वेश्चन के आने के चांसेस हाई होते हैं, क्योंकि उससे आपके वो दोनों चीजें चेक कर रहे हैं ना, कि टेबल कैसे बनेगी वो भी चेक हो गया, और आप कैसे डिसाइड करोगे कि क्लास विड्थ क्या होगी वो भी डिसाइड हो गया। ऊपर वाले में सिर्फ टेबल बनाने का दिमाग लगाना था, क्लास विड्थ दोनों ने ही बता दी, तो ये मजेदार क्वेश्चन हो जाता है, बाकी तो सेम है। और कैसा क्वेश्चन आ सकता है इस पे, फॉलोइंग इज द डेटा, वीकली पॉकेट मनी, ठीक है जी, प्रिपेयर फ्रीक्वेंसी टेबल, ओके, विड्थ ऑफ ईच क्लास इंटरवल एज 20। उन्होंने अगर उन्होंने कोई स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन दे दी तो फिर हम बहस नहीं करेंगे कि ये सूटेबल है या अनसूटेबल है, तो बहुत ज्यादा 8 हो गई सर, आपने तो कहा था 5 6 होने चाहिए, होनी चाहिए जब आपकी कॉल है, जब नहीं है तो, जब स्पेसिफिक है तो स्पेसिफिक है, तो 20 है तो 20 है, एंड द मिड वैल्यू ऑफ फर्स्ट क्लास है 70। लो जी, और उन्होंने आपकी हेल्प कर दी, क्लास विड्थ होनी चाहिए 20, क्लास विड्थ होनी चाहिए 20, और मिड वैल्यू है फर्स्ट क्लास की 70, तो क्लास विड्थ 20 है, अगर क्लास विड्थ 20 है, मिड पॉइंट प्लस हाफ ऑफ द क्लास विड्थ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो भी आपका मिड पॉइंट है प्लस हाफ ऑफ द क्लास विड्थ, ये आपको देता है अपर लिमिट, ये आपको क्या देता है, अपर लिमिट, और मिड पॉइंट माइनस हाफ ऑफ द क्लास विड्थ, ये आपको क्या देता है, लोअर लिमिट, ये आपको क्या देता है, लोअर लिमिट, बात समझ आए। तो निकाल लेते हैं, क्लास विड्थ क्या है 20, तो 70 प्लस हाफ ऑफ 20 प्लस हो रहा है 80, तो अपर लिमिट पहले लिखा हुआ था तो वही निकाला, 70 माइनस हाफ ऑफ 20 तो क्या हो गया 60, तो पहली क्लास हो गई 60 to 80, फिर 80 to 100, 100 to 120, 120 to 140, 140 to 160, और कोई वैल्यू है 140, हाँ तो फिर 80 तक जाएगा, 175,
ठीक है ना, समझ आया क्या हुआ? उन्होंने आपको अगर मिड वैल्यू दी और क्लास विड्थ दी, तो आप लोअर लिमिट अपर लिमिट पहले ही निकाल सकते हैं, उसके बाद कंटिन्यूटी में बाकी निकल जाएंगे। फाइंड द नंबर ऑफ टीनेजर्स विद पॉकेट मनी मोर देन 140, तो आप टेबल बना चुके होंगे, तो 140 to 160 ऑनवर्ड्स जो भी आ रहे हैं उनको एडअप कर दो, तो मोर देन 140 वाले आ गए। नंबर बताने में कोई नई टेबल नहीं बनानी, आपको बस एक वैल्यू देनी है। आइडेंटिफाई कैसे करेंगे ये? क्या क्लासमेट टेबल बनी होगी उसमें? क्या होंगे क्लासमेट? क्लासेस होंगे ना, क्लासेस 60 to 80, 80 to 100। सेकेंड का ये पार्ट कैसे सॉल्व करेंगे? हमें चाहिए नंबर ऑफ टीनेजर्स हु हैव द पॉकेट मनी मोर देन 140। उसके इंक्लूडिंग दैट, उसके बाद जितने भी हैं, जितने भी नंबर ऑफ टीनेजर्स आ रहे हैं उनको एडअप कर देंगे। लेस देन 100 तो 80 to 100 वाला, 80 to 100 वाला भी उसके नीचे नीचे, ठीक है ना? तो उसमें पहली हमारी क्या है, तो 60 to 80, 80 to 100, उन दोनों को एडअप कर देंगे तो लेस देन 100 आ जाएगा। क्लियर? करेंगे बिल्कुल करेंगे ना, क्योंकि 80 to 100 में एवरी वैल्यू अप टू 100 आती है, 100 नहीं आती है उसमें, 100 नहीं आता है उसमें। क्लियर? क्लियर? हाउ मच परसेंट ऑफ टीनेजर्स हैव वीकली पॉकेट मनी बिटवीन 80 to 120? 80 to 100 और 100 to 120 को ऐड कर देंगे। व्हाट इज द मैक्सिमम मिनिमम, लोएस्ट वैल्यू और हाईएस्ट वैल्यू आ जाएगी? मैक्सिमम मिनिमम अमाउंट ऑफ वीकली पॉकेट मनी यहाँ से आइडेंटिफाई होगा, यहाँ से आइडेंटिफाई होगी, नहीं कि 60 to 80 है तो 60, और लास्ट है आपका 160 to 180 तो 180। नहीं, दैट इज द अपर लिमिट, वो पॉकेट मनी पूछ रहे हैं, तो लोएस्ट वैल्यू 61 है किसी की? चेंज आंसर, 62। तो ये हो गया लोएस्ट, और हाईएस्ट हमारा 175 था। ठीक है, कोई कुछ पूछ रहा था? हाउ मच परसेंटेज ऑफ टीनेजर्स है पॉकेट में? तो आपकी जो भी वैल्यू आई होगी ना, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टीनेजर्स इनटू 100। हाँ, नंबर ऑफ टीनेज, टोटल नंबर्स, ठीक है ना? आप कोई डाउट तो नहीं पूछ रहे हैं, बाल ठीक कर रहे हो? डाउट तो नहीं है ना कोई? मैं घबरा गया, मैं कहता हूँ डाउट कैसे आ गया, ये तो सब कुछ एक ही बारी में समझ आता है। ध्यान से देखना प्लीज, इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, इजी है बट इंपॉर्टेंट है, कोई डाउट?